अज़ुबिल्लाशिफ़ानरजीम बसमिल्लामरिम अल्लाम हरवर सी एस एस अकेडमी की तरफ से मैं आपकी हज़मत में हाजिर हूँ। हमारा आज का जो पेपर है वो है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री की भी हम बात करेंगे और इस्लामिक कल्चर के ऊपर बात करेंगे, यानी एक साइड पे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कल्चर भी पढ़ेंगे और इसके दो पेपर हैं। टोटल मार्क्स जो है वो है 100 और इसमें पेपर ए पार्ट ए वन पार्ट के 50 मार्क्स है और पार्ट वन के और पार्ट टू के भी 50 मार्क्स है। तो टोटल जो है हमारे पास 100 मार्क्स का ये पेपर है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। बेसिकली इसके जो पार्ट ए 50 और पार्ट बी भी 50 मार्क्स है। पार्ट ए के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें प्री इस्लामिक इस्लाम से पहले एरा की हम बात करते हैं, उस एरा की जो पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस कंडीशन थी, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था किस तरीके का था, और फिर इस तरह के अरब की सोसाइटी, क्योंकि इस्लाम की जो शुरुआत है वो अरब से हुई थी, तो अरब सोसाइटी की सोशो पोलाटिकलो कल्चरल इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी, जब इस्लाम से आने से पहले वो लोग पोलिटिकली किस तरह थे, सोशली किस तरह थे, इकोनॉमिकली उनकी क्या पोजीशन थी, कल्चरली क्या पोजीशन थी। क्योंकि आप जब किसी रिवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो बिफोर दैट उस रिवोल्यूशन से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ पॉलिटिकल सोशल रिलेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लाजमी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या पोजीशन थी, उस सोसाइटी के लोग क्या कहते थे, किस तरीके से तजारत करते थे, क्या लेन देन करते थे, सोशली किस लेवल पे थे, पॉलिटिकली किस उस ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या पॉलिटिकली स्टेबल थे, स्टेबिलिटी थी, क्या सिस्टम था उनका, तो ये बात इस पर हम पढ़ेंगे। सेकेंड जो है वो इस्लाम के आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पीरियड है उनकी लाइफ की ज़िंदगी, यूसुफ़ पाक सल्लम की पैदाइश होती है, फिर उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट वाकयात यूसुफ़ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान लाइफ फैमिली के हवाले से, फिर उसके पास वाले सर इस मोटिवेटर साबित हुए। गुजर पाक सलम से पहले हम देखते हैं उनकी पॉलिटिकल सोशल कंडीशन टोटली डिफरेंट है। पाक वाले सलम चेंज लाते हैं, एक न्यू आइडियालॉजी, एक न्यू थॉट्स, एक न्यू डायमेंशन इन लोगों को सिखाते हैं। फिर गुजर पाक वाले सलम इज अ लीडर, स्पेशली एज अ मिलिट्री लीडर, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली और डील कर रहे हैं डिफरेंट उस, क्योंकि अरब इससे पहले उनकी कंडीशन अगर हम पढ़ लें तो ज़्यादा वो लोग जो थे वार्स में इन्वॉल्वमेंट थी, मिलिट्री उनकी एक रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन भी इस तरह थी, और दूसरी बात ये कि उनकी जो ट्राइबली इस तरह इन्वॉल्वमेंट थी और ज़रूरी थी, तो उस ने इस तरह स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी प्ले की, एंड एज अ पोलिटिकल या हेड ऑफ द स्टेट भी रही। तो ये उस वसलम के पैदाइश के उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, इस लीडरशिप की क्वालिटी, किस तरीके से उल्फा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ऑर्गेनाइज किया, तो डेट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटीज़ है जिसके बेस पे उल्फा सल्लम ने डिफरेंट पीपल्स को मुख्तलिफ कबाइल के वो एक जगह, वो कबाइल जो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, को एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, हार्मोनाइजेशन नहीं थी, जुबान सल्लम ने उन सबको हार्मोनाइज किया एक जगह पे लाके, तो देश इस पे बात करेंगे। थर्ड टॉपिक जो है वो खिलाफत, जुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का है अबू बकर सदीक रज़ियल्लाह, फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाह, उस्मान अली रज़ियल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाह तआला, इस फोर हलुफा जो है उनके हवाले से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनकी जो पोलिटिकल सिस्टम है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद उमय्यद तक हम बात करेंगे, उमय्यद के खिलाफत तक, तो ये बात करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल इस्लाम अंडर द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम था उस पर बात करेंगे। इस्लाम का जो स्टेट है जिसको हम इस्लामिक स्टेट, उसका नेचर किस तरह था, फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, फंक्शन ऑफ द इस्लामिक स्टेट क्या था, उसकी फंक्शन क्या थी, क्योंकि हम जब इसके ऊपर बात करते हैं तो उसकी फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सावरेंटी ऑफ गॉड, क्योंकि अल्लाह ताला जो है खालिक वही, हम उसके महलूक हैं, तो बेसिकली वी आर नायब, वी आर असिस्टेंट, वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, तो बेसिकली सावरेंटी बिलोंग टू अल्लाह। इसके बाद जो है खिलाफत, इंसान की खिलाफत है, इंसान नायब है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ खलीफा, की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, के खलीफा की क्या थी, अबू बकर सदीक की, उमर रज़ियल्लाह की, उस्मान अली रज़ियल्लाह, अली रज़ियल्लाह, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी,
और फिर उसके बाद जो है शूरा, जिसको एक कंसल्टेंट बॉडी भी कहते हैं कंसोलेशन के लिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम अंडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फोर जो खलीफा है उसके हवाले से इस पर बात करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन अर्ली फेज में, जो मुस्लिम सिविलाइजेशन की एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, खासकर जुडिशरी ला के हवाले से हम बात करते हैं, लेजिस्लेशन हुई, हम देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिशमेंट होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी डेवलपमेंट होती है। फिर डिफेंस ऑफ अली इस्लाम का जो डिफेंस का मेकेनिज्म था, मिलिट्राइजेशन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एजुकेशनल सिस्टम भी था, बिकॉज इस्लाम से पहले अरब की कंडीशन हम पढ़ते हैं तो प्रॉपर सिस्टम नहीं थे, इस्लाम ने इंट्रोड्यूस की तो एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की भी है। फिर उसके बाद ये है फाइनेंशियल सिस्टम भी है, कल्चर की भी डेवलपमेंट है। तो ये टॉपिक जो है हम इस्लामिक इसमें पढ़ते हैं। और छठा जो टॉपिक है पेपर पार्ट वन में, यानी पेपर नहीं एक ही पेपर है 100 मार्क्स, पार्ट वन में 50 मार्क्स में से हम उमय्यद एम्पायर के हवाले से हम बात करेंगे, हज़रत उमय्यद रज़ियल्लाहु ताला उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन थी, जो स्ट्रक्चर थी, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ अरब लिटरेचर, अरब की जो लिटरेचर है वो, चूँकि हम इस जो पार्ट फर्स्ट है इसमें जब हम स्टार्ट लेंगे तो अरब की पोजीशन के ऊपर बात करेंगे, उनकी बैकवर्डनेस के ऊपर। तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उमय्यद थे उनके दौर में खासकर अरब लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर की बहुत बात हुई थी, बहुत ज़बरदस्त डिवेलपमेंट हुई थी, फिर कल्चरली भी बहुत अचीवमेंट हुई थी। तो इस एरा के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये जो है पार्ट फर्स्ट में 50 मार्क्स का, पार्ट सेकंड के हवाले से हम बात करेंगे। तो अबसाइड, तो उमय्यद के बाद अबसाइड अबासी आए बगदाद में और इन्होंने बगदाद में रिवॉल्यूशन लाई, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की अबसाइड अपनी एक सिलसिले को, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था अंडर अबसाइड किया था, इन्होंने जो डिवेलपमेंट की स्पेशली एकेडमिया नॉलेज में, और बैतुल हिकमा जो इन्होंने बनाई, सेंटर ऑफ लर्निंग बनी बगदाद में, पीपल फ्राम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वहाँ आते थे और लर्निंग करते थे। तो इस हवाले से फिर मुस्लिम फिलासफी की जो डेवलपमेंट हुई, मुस्लिम फिलासफी की जो एक ग्रोथ का पीरियड था, मुस्लिम गोल्डन पीरियड है ता ये जो एरा है जो अबसाइड के अंदर है, अंडर है, खासकर बगदाद, और बगदाद में जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल की आते हैं, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो डन होती है, डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होती है फिलासफी में, हिकमत में, रिलीजन्स में, जुडिशरी में, म्यूजिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो ये डिफरेंट, और ये ऑल इस टाइम की जो जितने भी स्कॉलर्स थे या फिलासफर्स थे वेल नोन है, और इनकी किताबें जो है यूरोप में लोग पढ़ते थे, फ्रॉम फॉर सेंचुरीज लोग पढ़ते रहे। फिर उसके बाद इनकी कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त हो गई, नॉलेज के साथ कल्चर भी रिलेटेड है, नॉलेज की डेवलपमेंट तो कल्चरली भी एडवांसमेंट हुई, कल्चरली भी डेवलपमेंट हुई। तो इस हवाले से हम बगदाद का पढ़िए, यानी फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट बगदाद, फिर उसके बाद स्पेन के हवाले से, मुस्लिम रूल के अंदर जो है अरब्स ने स्पेन के ऊपर हुकूमत की, फिर उनकी पोलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, फिर मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है रोम कल्चर में, आर्ट्स में, और उनकी जो है आर्किटेक्चर में, इस पर हम बात करेंगे। खासकर जब इन्होंने इसके हवाले से कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम सिर्फ लिमिटेशन नहीं थी टू अरब्स, आउटसाइड अरब्स भी है, न्यू कल्चर भी है, न्यू पीपल्स भी है, न्यू लैंग्वेजेस भी है, तो उनके साथ उनकी क्या डेवलपमेंट हुई इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद इस्लाम के खिलाफ क्रिश्चियन और इस्लाम की जो वाज है उनके हवाले से हम बात करेंगे, मुस्लिम क्रिश्चियन रिलेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। फिर खिलाफत उस्मानिया उनकी रेस अप एंड डाउन्स के हवाले से हम बात करेंगे, चूँकि अबसाइड के बाद फिर उस्मानिया खिलाफत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी स्टेट सोसाइटी इकानमी की हम बात करेंगे। फिर उनके बाद उनकी जो रिलेशन विद रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से उसके ऊपर भी बात करेंगे, हाउ दे ट्रीट या डील्स विद द जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं वो, जो किस तरीके से ये लोग ट्रीट करते थे, उनका क्या ट्रीटमेंट है। फिर उनकी जो कल्चरल एडवांसमेंट हुई खासकर खिलाफत उस्मानिया के दौरान, इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेलेबल के बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि तुर्की के अंदर जो डेवलपमेंट है, तुर्की का जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही,
फिर सूफीज़म जैसा इंस्टीट्यूट इन द मुस्लिम सोसाइटी, सूफीज़म हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्लिम सोसाइटी में डिबेटेबल टॉपिक है। इसके हवाले से इनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनकी रही, क्योंकि ये बेसिकली प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट के ऊपर इनका बिलीफ है। तो सूफी लोग जो है इसके हवाले से इनकी ओरिजिनेशन के हवाले से डेवलपमेंट पे बात करेंगे। ओरिजिनेशन डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी थियरीज हैं, बाज़ लोगों के मुताबिक अल सफ़ा है, बाज़ लोगों के मुताबिक ये ग्रीक के सोफेस्ट जो लोग थे उनसे हैं, बाज़ के मुताबिक ये वाइट कपड़े पहनते हैं, बाज़ के मुताबिक ऊन के कपड़े पहनते हैं, बाज़ के मुताबिक वो लोग होते हैं। इस वजह से तो डिफरेंट एस्पेक्ट से शुरुआत करेंगे। फिर सूफीज़म और मुस्लिम सिविलाइजेशन, सूफी जो खानकाह है जिस खानकाह में बैठ के लोगों के बैत करते थे, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस होती थी इस पर। फिर सूफी और सेठ के दरमियान रिलेशनशिप, बिकॉज सूफी बेसिकली ज़्यादा उनकी फोकस जो है वो है नॉन फिज़िकल और स्टेट फिज़िकल, तो फिज़िकल नॉन फिज़िकल रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करेंगे। और फिर सूफीज़म करंट एरा में, क्योंकि सूफीज़म की जो अगर हम स्टडी कर ले तो बेसिकली ये पीस की तरफ, अमन की तरफ, इनकी बहुत ज़्यादा फोकस जो है अमन पीस पे है, बहुत ज़्यादा रिकंसलेशन पे है, बहुत ज़्यादा जो है हारमोनाइज पे है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस के ऊपर है, जिस पर हम बात करेंगे। फिर इस्लाम और मॉडर्निटी, इस्लाम इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मौजूदा दौर में इस्लाम बहुत सारी चैलेंजेस का सामना भी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक साइड पे हम मॉडर्निटी देखते हैं, इस साइड इस्लाम है, तो इस्लाम और मॉडर्निटी के दरमियान एक इफेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर कॉजेज इन इफेक्ट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्निज्म के ऊपर बात करेंगे। फिर इस्लाम का इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या इस्लाम का जो सिस्टम है क्या इफेक्ट है उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम और वेस्ट के दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम और वेस्ट के दरमियान खासकर 9/11 के बाद, पोस्ट टेररिज्म के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट है, गल्फ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो ये दो पेपर, एक पेपर के अंदर पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन में 50 मार्क्स है, पार्ट टू में भी 50 मार्क्स, टोटल जो है 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की किताब है, अनवर अली साहब की किताब है इस्लाम आइडियालॉजी एंड लीडिंग इशूज़, बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसमें आप इस्लाम आइडियालॉजी और लीडिंग इशूज़ के हवाले से जो इस्लाम और इसके अलावा जो आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम है, क्योंकि बेसिकली जब हम इस्लामिक हिस्ट्री को और इस्लामिक कल्चर को पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी का नोस पता होना चाहिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन वी कैन ईजिली हम फिर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अनवर अली साहब की किताब है। फिर उसके बाद और भी मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा असर देती हैं। इसके अलावा मैं भी आपको मुख्तलिफ़ बुक्स जो है टाइम टू टाइम दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, शिबली नुमानी साहब को, मदूदी साहब की भी किताबें इस हवाले से, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात पे बिलीव रखने वाला हूँ कि बिंग अ टीचर मैं कोशिश करूँगा कि इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड में, कोशिश करूँ कि आप लोगों के माइंड तक बात को कन्वे करूँ, कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, दिन आपको ले जाऊँ टूवर्ड मटेरियल की तरफ, आपको प्रोवाइड भी करूँ मटेरियल तक आप इजीली उन मटेरियल को यूज़ करके आप इजीली कवर कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट द हार्डवेयर सीएसएस एकेडमी, आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और ये जो कोर्स है ये कोर्स पॉसिबल टाइम में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम उसको क्लियर कर लें, क्लेरिफाई कर लें, आप लोगों को ले जाए और आप लोगों के माइंड के अंदर जो तमाम एम्बेग्विटी है उनको क्लियर करवा दें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।